आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की योजनाएं एवं सहायता के लिए कई प्रकार के अधिनियम एवं कानून एक्ट बनाए जाते हैं, लेकिन इसका उल्लंघन कंपनियों द्वारा धड़ल्ले से किया जाता है। इसी प्रकार की एक समस्या इसी का अनुसरण करते हुए नवदुर्गा कंपनी ने 2004 व 2009 में गांव के अन्य लोगों का जो आदिवासी परिवार से हैं उनके ज़मीन को दलालों द्वारा कॉन्टैक्ट कर खरीदा गया। जब आदिवासियों को इसकी जानकारी हुई तो वे तहसील कोर्ट में अपना आवेदन दिया और विजय हासिल की, लेकिन आज तक उस ज़मीन पर गांव वालों को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। ओ खानी, तुम्हारा ये 70 ख के बारे में पता नहीं रही सर? हाँ, वो खानी नहीं रही सामान ला। तो कैसे कितना भाव में तुम्हारी ज़मीन ला बेचा, किसे बेचा? बोला तो सस्ता में दे देना, ये 46,000 एकड़ में। जब केस जीत गया ना सब करा तो का बार तुम्हारा कब्जा नहीं मिला थे, का कारण का हो थे? अब नोटिस काटा थे पटवारी मनता होले तो वो दिन लनी आते हैं और फिर वो दिन ला झुका दे थे और फिर आन दिन ला वो का के फिर कहाँ थे। तो कंपनी के जो अधिकारी हो का कहा थे? वो कहा थे कि अब यदि कागज करके बता थे और अभी तो कब्जा नहीं दे थे। लेकिन ये पटवारी आरई कंपनी द्वारा कंपनी को बार बार मौका देते हैं कि हमारा जो जमीन कट रहा वो पूरा आ गया हमारा जमीन का नक्शा नंबर। अभी कंपनी के अंदर में आप मन की जो जमीन है ओकर स्थिति कैसी है? ओकर स्थिति पूरा काला पड़ी थी। हाँ, का कुछ डस्ट वस्ट करते का करी सुन? वो मैं डस्ट पूरा पाड़ दी। हाँ, तो मान लो कब्जा नहीं हो पाई तो कैसे करिए आगे? बोला मैंने कलेक्टर कर मैंने नित तो कब्जा नहीं दे पाते तो कलेक्टर कर जाके हम भूख हड़ताल करबो। तहसील न्यायालय एवं जिला न्यायालय में इस 170 ख एक्ट के तहत जीते गए जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए इन आदिवासियों की परेशानी को देखते हुए आरआई एवं पटवारी द्वारा इनको जमीन पर कब्जा दिया जाए, इसलिए मैं वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान आरआई को 99 81 60 46 41 पर फ़ोन कर दबाव बनाए ताकि जल्द से जल्द इन आदिवासियों को अपने जीते हुए ज़मीन पर कब्जा मिल सके। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।